क्या सरकार के प्रशासनिक फैसले अपनी राह से भटक गए? गैर प्रशासनिक उद्देश्य और लोगों के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का रूप ले चुकी है। सरकार के फैसलों में जनहित कम और सभित ज्यादा दिख रहा है। सरकार के फैसलों पर सवाल क्यों? जी, सवाल वाकई में बड़े हैं, क्योंकि जिस जल जंगल और जमीन के आंदोलन की बुनियाद पर जेएमएम सत्ता के शिखर पर पहुंची, क्या उस दिशा से हेमंत सरकार भटक रही है? मसला मनपसंद पोस्टिंग को लेकर जुड़ा है। अफसर मंत्री को पत्र लिखता है, कथित दलाल को एडवांस में 10 लाख का चेक दिया जाता है और जब मामला सामने आता है तो हड़कंप मच जाता है। दरअसल राज्य वन सेवा के अधिकारी शंभू प्रसाद ने खुद को डीएफओ के लिए पद स्थापित करने के लिए मंत्री को सीधे पत्र लिखा। दूसरे ही दिन इस अधिकारी ने बिपिन सिंह नाम के कथित दलाल को मनपसंद पद पर पोस्टिंग कराने के लिए बतौर 10 लाख रुपए का चेक दिया। बकायदा अफसर के इस कारनामे को लेकर वन सचिव पीसीसीएफ के साथ साथ दूसरे अधिकारियों को शिकायत की गई है। इतना ही नहीं, सबूत के तौर पर शिकायती पत्र के साथ चेक की फोटो कॉपी और दूसरे दस्तावेज भी दिए गए हैं। अब सरकार के स्तर पर मामले की जांच की बात की जा रही है। राज्य की सरकार के चेहरे पर कई दाग लगना शुरू हो गया। टेंडर मैनेजमेंट में मंत्री शामिल, ट्रांसफर पोस्टिंग में चेक से पैसे लेने का लेन देन, और हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार अपनी 6 महीने के कार्यकाल में ही अपनी लोकप्रियता खत्म कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि, कैसे टेंडर मैनेज का ऑडियो, उसमें भी तो राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उसमें भी जांच होनी चाहिए। ये छोटा मुद्दा ना, इसमें इसमें राज्य के एक मंत्री का ऑडियो और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का ऑडियो है। यानी एक अधिकारी अपनी पोस्टिंग के लिए चेक के जरिए से पैसे कथित दलाल को देता है, मतलब समझिए अंग्रेजी में इसे डिजिटल करप्शन बोलते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या भ्रष्टाचार पर हेमंत सरकार की कथनी और करनी में फर्क क्यों? जल जंगल जमीन की जगह पैसे के लिए सरकार परेशान क्यों? क्या सरकार में रिश्वत के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? और सवाल ये भी, क्यों पैसों के लिए सरकार अपनी साख को दांव पर लगा रही है? दरअसल वन सेवा के अधिकारी शंभू प्रसाद फिलहाल झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के उपनिदेशक के पद पर हैं। उन्होंने फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लेटर हेड पर ही वन मंत्री को पत्र लिखा 20 मई 2020 को। इस लिखे गए पत्र में खुद को वन प्रमंडल पदाधिकारी के पद पर पद स्थापित करने की गुजारिश की गई। दिलचस्प बात तो यह है कि मंत्री को पत्र लिखने के बाद इस अधिकारी ने बिपिन कुमार सिंह को, जो कथित दलाल से संपर्क किया और पोस्टिंग के बदले 20 लाख रुपए देने की पेशकश की, उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 10 लाख रुपए का चेक तो दिया, मगर उसमें 1000 रुपए भी नहीं। यानी गजब का करप्शन, जिसे डिजिटल करप्शन कहते हैं। खैर, खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसकी जांच जरूरी है। वैसे माना जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वानगी भर है, क्योंकि रजिस्ट्री विभाग से लेकर RRDA और सिंचाई विभाग में इसी तरह पदों को लेकर जल्द ही कोई बड़ा पर्दाफाश भी हो सकता है। मगर हेमंत सरकार की साख पर इस खुलासे ने दाग जरूर लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।